नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज इनसाइड स्टोरी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा में पार, जी हाँ, इस बार आया है और ये आप अस्सी भाग का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पे चारों दुकानों के नीचे देखिए रास्ता पूरा जलमग्न हो गया है। इस बार गंगा में बाढ़ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, कई इलाके डूब चुके हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं और इन नज़ारों को देख रहे हैं और अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि सड़क पर बाढ़ का पानी आ चुका है। गंगा में उफान के साथ बरुणा नदी में भी उफान आया है। आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये बरुणा नदी है। बरुणा पार सारे निचले इलाके डूब चुके हैं। जी, ऑटो का मेरा बिजनेस व्यापार है जी। अब अचानक पानी आने की वजह से गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो निकाल नहीं सके, जो इसी पानी में जमा गई हैं, दिखाई भी नहीं। क्या कार डूबी है यहाँ पे? दो कार हैं, एक वैगन आर है, एक अल्टो है। दो डूब गई हैं। हाँ, निकालने का मौका नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्या पानी बढ़ने का और भी चांस लग रहा है आप लोग को? हाँ, पानी बढ़ने का भी चांस है। तो अभी तक घर में कितने लोग फंसे हैं? परिवार अपना है, परिवार है। जहां वाराणसी में तमाम क्षेत्रों में बाढ़ के पानी आ चुका है, तो वहीं एनडीआरएफ के जवान लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। ये जवान दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, बस एक ही इनका सेवा भाव है। और ये जवान आप देख रहे हैं कि इस मोटरबोट में बैठ के लोगों को बचा रहे हैं, बाकायदा लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं। आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मगर ये जवान मुस्तैदी से लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है बरुणा नदी। जी हाँ, वाराणसी का बरुणा नदी। ये क्षेत्र निचले इलाके हैं, यहाँ पे पूरा जलमग्न हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। बरुणा पार सारी स्थिति को उन्होंने देखा और जल्द से जल्द बचाव हो सके इसके लिए उपयुक्त उपाय किए। ये दशाश्वमेध घाट है, जो पूरी अंतिम सीढ़ी भी डूब चुकी है बाढ़ के पानी से। कई मंदिरों में बाढ़ के पानी आने से वो मंदिर बुरी तरीके से डूब चुका है। ये गंगा किनारे का आप दृश्य देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट का।